जी अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम सलाम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। अभी मैंने मल्टी विटामिन का कोर्स स्टार्ट किया, आज उसका पहला दिन कंप्लीट हो गया। दाना डाल दिया मैंने परिंदों को, पानी मैंने आज 3 लीटर किया है क्योंकि ये पानी अभी पड़ा रहेगा, कल सेम टाइम में मैं इनका पानी जो है ना चेंज करूँगा। पानी की जो क्वांटिटी है वो अभी मैंने ज़्यादा रखी है ताकि ये पानी कल तक इनका चल जाए, और जो मैं विटामिन यूज़ करता हूँ वो ये है मल्टी विटामिन। बहुत अच्छे विटामिन है ये। ये मैंने 10 दिन लगातार इनको देना है। विटामिन वगैरह देने का मकसद ये है कि माशाल्लाह अभी मेरे परिंदे अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन की मैंने डिवर्मिंग की है, अभी लगातार इनको मैंने 10 दिन ये विटामिन देने हैं। इंशाल्लाह ताला ये 10 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मौसम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। इंशाल्लाह ताला केज भी ऐसा क्लियर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा काम है केजों का, वो हो रहा है, पार्टीशन वगैरह कर रहा हूँ, जाली वगैरह ये सारी नई लगाई है, कुछ चीज़ें अंदर से कैंसिल की हैं। तो अल्लाह का ये है कि शुक्र है परिंदे ठीक ठाक मज़े में। अभी 10 दिन का ये इनका कोर्स है मल्टी विटामिन का, तो इंशाल्लाह ताला 10 दिन की कंप्लीट तो नहीं, छोटी छोटी वीडियो बना के 10 दिन की कंप्लीट इंशाल्लाह सेंड करूँगा। बहुत अच्छा ये विटामिन है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है ये भी हॉलैंड की है, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे दिन की वीडियो या छोटे छोटे साइज की इनकी वीडियो बना के, क्योंकि ये 10 दिन की है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो छोटी छोटी वीडियो बना के इंशाल्लाह कंप्लीट ही इंशाल्लाह सेंड करूँगा जी। हम इनको बोलते हैं विटामिन आम, इधर जोन्स है, बहुत अच्छे विटामिन है, शायद आपको नज़र आ ही रहा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, 10 दिन लगातार देने हैं, उसके बाद हफ्ते में एक दिन ये विटामिन देने हैं, और महीने में एक दिन जो है ना वो डीवर्मिंग करनी है जिस टाइम मैं पेयर वगैरह कंप्लीट कर दूँगा जी। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम सलाम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। माशाल्लाह मल्टी विटामिन के लिए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और पेड़ वगैरह मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ ये पानी की बोतलें बाहर निकाली हैं क्योंकि केजों में पेस्ट लगाए थे पेड़ लगाने के लिए, तो इसलिए सबको लदा लदा किया। एक पार्टीशन में ये वायर छेड़ के 2 पेड़ लगाए हैं, दूसरे में ये पेड़ लगाए हैं, येलो ब्लैक वाइट ब्लू। इसमें जैकोबिन का पीस लगाए हैं, ये मल्टी विटामिन है क्योंकि केज अभी ज़्यादा होने की वजह से बड़ी बोतल कंप्लीट एक बना के सबको लहदा लहदा बार बार पिलाना पड़ता है, क्योंकि आज लास्ट डे कंप्लीट हो गया, क्योंकि इतनी कहने हैं फिर सब पार्टीशनों में लहदा लहदा रखते हुए प्रॉब्लम होती है। ये टेमलर लगाया है, ये एक ब्लू और सिल्वर लगाया, अभी ये पीस घूम रहे हैं अंदर कुछ, अभी इनको पेयरिंग में लगाना है जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। इतना लंबा पूरा सर्किट दिखाने का और बताने का मकसद ये था कि परिंदे ऐसा ऐसे ही कमज़ोर होते हैं, बाद में उनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। अगर हम उनका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से
किसी किस्म की कोई बीमारी आपके केज के अंदर एंटर नहीं होने लगी। और कोशिश यही किया करें कि अपने पास एक सिलेक्टेड जो सियाना बर्ड्स वो रखें, ज़्यादा ना रखें, उतने सारे परिंदे रखें जितने परिंदों से आपने सिस्टम चलाना है। और जो से परिंदों को आपने कोर्स करवाए हुए हैं, उन परिंदों के अंदर बाहर का कोई भी परिंदा है, चाहे उसने कोर्स करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ, वो परिंदा एंटर नहीं करें। अगर आप लोगों ने कोई भी परिंदा एंटर करना है, उसका बेहतरीन हल यही है कि उसको सेपरेट रखें, कंप्लीट कोर्स करवाएं, उसके बाद अपने परिंदों में एंटर करें। माशाल्लाह जैसे ये भी परिंदे मैंने अभी पेयरिंग कंप्लीट कर दी है, ये जैसे जी कहने का बस असल मकसद पता क्या ये है कि मैंने जो ये परिंदों को सबको कोर्स करवाया, अभी इनके जैसे चिक्स निकलने हैं, इनके चिक्स निकलने के बाद, यानी कहने का मकसद ये है कि सबके इंशाल्लाह ये कि इकट्ठे चिक्स निकलेंगे, वो चिक्स 5 हों या 10 हों या 15 हों, कहने का मकसद ये है कि वो सब चिक्स मैं एक केज के अंदर इकट्ठे करूँगा। इकट्ठे करने के बाद उनको भी ये सेम कोर्स जो था ना, मैंने 7 डेज का करवाता हूँ, उसमें ये है कि मेरे चिक्स जो से एक्सपायर नहीं होते। बहुत फ़ायदा होता है। अभी जैसे ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आज अभी ठीक 4 से 5 महीने, क्योंकि मैंने आगे वेदर देखना है, अगर ये बर्ड्स मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ तो फिर तो नहीं, उधर जाके ही होगा, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से मैंने नेक्स्ट 3-3 दिन का कोर्स करवाना है। बस मकसद ये है कि रोज़ नया परिंदा एंटर करने से बेहतर ये है कि आप सिलेक्टेड परिंदे रखें, अच्छे रखें, उनके ऊपर अच्छा काम करें, ताकि आपका एक नाम हो। बिज़नेस ठीक है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, मगर वो भी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप चिक्स जो उनसे सेल्फ करवा के लोगों को दे तो देते हैं, उसके बाद उन चिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है या आपके परिंदों में क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको ही पता है, जो लेने वाला उसको नहीं पता। अक्सरियत में अगर आपसे कोई चिक्स लेके गया है ना, तो बाकी उसके मुकद्दर है, अगर वो चिक्स बच गया तो बच गया, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के चिक्स एक्सपायर ही होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने परिंदों को कोर्स करवाते हैं, उसके बाद से चिक्स सेल्फ होता है उसको भी कोर्स करवाते हैं, अगर किसी को देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो बंदा भी आपको दुआओं में याद ही रखेगा, और वो भी कहेगा कि मैंने किसी से कोई चीज़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे पास मौजूद है। बाकी ज़िंदगी में होता है अल्लाह के हाथ में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कौन कौन से कोर्स कितनी कितनी देर किए। ये फर्स्ट मैंने कोर्स किया था समोलीला का 7 डेज, उसके बाद 2 दिन की रेस्ट मैंने दे दी थी। उसके बाद ये कॉक्सीडिया 2 दिन की मैंने इनको रेस्ट दे दी है। उसके बाद कैंकर 2 दिन की रेस्ट मैंने दे दी है। इसके बाद ये ब्रीदिंग के लिए 7 डेज, उसके बाद मैंने 2 दिन की रेस्ट दे दी है। ये डिवर्मिंग के लिए 3 दिन का इसका कोर्स, ये 3 दिन का कोर्स डिवर्मिंग का, उसके बाद 2 दिन की रेस्ट है। उसके बाद ये 10 दिन के विटामिन है, और अभी पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी ये पेयर वगैरह सब लगा दिए मैंने, क्योंकि ये केज मैंने रखे थे पेयरिंग के लिए, क्योंकि लैदा पेयर लगाने के लिए अभी इनको लैदा पार्टीशन दे दी है मैंने, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। इनके मैंने बड़े फ़ायदे लिए हैं। मेरे कुछ ऐसे कबूतर हैं जो अरसा दराज से बुत नहीं थे डालते, मेरे वो परिंदों ने बुत डालने शुरू कर दिए। कुछ फीमेल ऐसी थी, एग नहीं थी देती, रेगुलर रूटीन से ये विटामिन डालने से उन्होंने एग देने भी शुरू कर दिए।
उसके अलावा भी जिस्म की जितनी कमज़ोरी है ये विटामिन दूर कर देते हैं, ताकत ज़्यादा हो जाती है जानवर के अंदर। इतना कंप्लीट कोर्स करने का सिस्टम, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना लंबा कोर्स जब बंदा करता है, पानी चेंज करो, ये करो, वो करो, मगर शौक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, शौक को टाइम भी देना पड़ता है। मैं अब बोलूँ कि दाना डाल के मैं चला जाऊँ तो खाते रहेंगे, ये बात गलत होती है। प्रॉपर तरीके से अपने परिंदों को चाहे एक घंटा दो घंटा लाजमी टाइम दें, अपने परिंदों के पास बैठें ताकि पता चले आपको आपके परिंदों में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या वो मांगते हैं, क्या उनके रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरी करें। इंशाल्लाह ताला आप उनको टाइम दें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। परिंदे थोड़े रखें, थोड़े परिंदों पे काम करें, इंशाल्लाह ताला आपका नाम होगा। एक जब आप ज़्यादा ले आते हैं ना तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, यार मैं इसको देखूं कि उसको देखूं। थोड़े सारे परिंदे देखें ताकि उनके ऊपर आप प्रॉपर ध्यान दे सकें। ऐसा ऐसा जैसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो परिंदे ज़्यादा करते जाएं। बाकी इंशाल्लाह पेयरिंग मैंने कर दी है कंप्लीट, इंशाल्लाह जैसे भी इनका रिज़ल्ट आता है तो मैं भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मैंने पेयरिंग की हुई है।